हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ऑटोकैड के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि हम इलिप्स कैसे ड्रा करते हैं। तो इलिप्स को ड्रा करने के लिए हमारे पास इलिप्स कमांड ऑटोकैड के अंदर इस रिबन बार के अंदर ड्रा पैनल के अंदर यहाँ पर दे रखी है। और उसके अलावा यहाँ पर इलिप्स के अलग अलग टाइप भी दे रखी है, सेंटर, एक्सिस एंड और इलिप्टिकल आर्क। तो हम यहाँ पर इन तीनों टाइप को भी सीखेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड के थ्रू भी इलिप्स कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है EL। जैसे ही आप यहाँ पर EL टाइप करोगे तो इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले हमारी यहाँ पर ये इलिप्स कमांड आ रही है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या उसके अलावा हम यहाँ पर EL टाइप करके एंटर या स्पेस बार की भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं इलिप्स कमांड लेता हूँ तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी कैसे ड्रा होती है फटाफट। तो जैसे ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद ये स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, तो आपको यहाँ पर एक एक्सिस के अंदर ये लाइन ड्रा करनी है। तो मैं यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सिस में ये लाइन ड्रा कर सकते हो, या हॉरिजॉन्टल के अंदर भी ये लाइन ड्रा कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट पूछ रहा है ये स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस। तो यहाँ पर जो हमारी अदर एक्सिस है उसकी यहाँ पर ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारी इलिप्स क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस इलिप्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड की हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी इलिप्स क्रिएट हो रखी है। तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स होता है वो क्या है, तो यहाँ पर A से लेके A डैश तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी यहाँ पर होती है मेजर एक्सिस, और यहाँ पर B से लेके B डैश तक की डिस्टेंस ये हमारी माइनर एक्सिस होती है। और यहाँ पर ये जो B से लेके यहाँ तक इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है ये भी हमारी सेमी माइनर एक्सिस होती है। और इसी तरह यहाँ पर इस पॉइंट से लेके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हमारी सेमी मेजर एक्सिस डिस्टेंस होती है। ओके, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है इलिप्स का। तो मैं अभी यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर दोबारा हम इलिप्स कमांड लेंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स, कि आपको यहाँ पर जो इलिप्स का सेंटर है वो कहाँ पर डिफाइन करना है। वो पॉइंट आप यहाँ पर पिक कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर ये पॉइंट पिक कर लेता हूँ एज ए सेंटर इलिप्स का। अब ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, तो यहाँ पर ये जो एक्सिस की लेंथ है ये हमारी सेमी मेजर एक्सिस डिस्टेंस हो गई। तो मैं यहाँ पर जैसे इसकी एक्सिस की डिस्टेंस 250 या 500 ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी एक तरफ की एक्स एक्सिस के अंदर ये इलिप्स की डिस्टेंस डिफाइन हो गई है। अब नेक्स्ट ये हमसे पूछा वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पर इसकी डिस्टेंस, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पर इसकी डिस्टेंस हम 150 भी कर सकते हैं, या हम यहाँ पर 100 भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर एक्सिस की डिस्टेंस डिफाइन करनी है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसकी डिस्टेंस दे देता हूँ 100, और फिर उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये हमारी इलिप्स ड्रा हो जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या किसी भी एंगल के अंदर ये इलिप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ, इलिप्स कमांड दोबारा लेता हूँ, यहाँ पर सेंटर पॉइंट ये डिफाइन कर देता हूँ। अब की बार मैं यहाँ पर जो एक्सिस पॉइंट है पहले एक्सिस का वो यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये सेकंड एक्सिस का पॉइंट पूछेगा, तो सेकंड एक्सिस की डिस्टेंस मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ इलिप्स क्रिएट कर सकते हो। अब उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पर इलिप्स कमांड लेता हूँ। इलिप्स कमांड लेने के बाद यहाँ पर स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट पूछेगा, तो यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ। अब उसके बाद ये हमसे एंड पॉइंट पूछेगा एक्सिस का, यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है कि आप या तो यहाँ पर ये डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हो इलिप्स की, या आप यहाँ पर रोटेशन एंगल भी यहाँ पर इलिप्स का डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रोटेशन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे अब यहाँ पर ये एंगल पूछ रहा है इलिप्स का। तो यहाँ पर इस एंगल के बेस पे भी हम इलिप्स क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये इस तरह से इलिप्स क्रिएट हो जाएगी रोटेशन एंगल बेस पे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट टाइप है इलिप्स की वो है यहाँ पर सेंटर, एक्सिस एंड और एलिप्टिकल आर्क। सेंटर तो हमने यहाँ पर सीख लिया, अब यहाँ पर एक्सिस एंड को हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ये ले लेता हूँ। उसके बाद ये हमसे अदर एंड पॉइंट पूछेगा, तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारी टोटल लेंथ पूछ रहा है, ए से लेके ए डैश तक की जो डिस्टेंस है ये हमसे वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, और जैसे मुझे यहाँ पर ये इलिप्स चाहिए 1000 डिस्टेंस के ऊपर, तो मैं यहाँ पर अदर एंड पॉइंट एक्सिस का 1000 की वैल्यू के बेस पे एंटर कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर ये हमसे नेक्स्ट डिस्टेंस पूछेगा अदर एक्सिस के लिए, तो ये हमारी माइनर पूछता हमेशा, तो माइनर डिस्टेंस मैं यहाँ पर
यहाँ तक डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं एक्सिस एंड कमांड। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमसे आर्क भी पूछ रहा है, सेंटर भी पूछ रहा है। तो ये बाकी दोनों टाइप है जो हमारी यहाँ पर ये शो हो रही है। आर्क हमारी यहाँ पर ये हो गई और सेंटर पॉइंट यहाँ पर ये हो गई। तो ये हमारी अदर टाइप्स हैं जो इलिप्स की हम ड्रा कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम दोबारा एक्सिस का एंड पॉइंट ये ले लेते हैं। उसके बाद ये हमसे स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट पूछ रहा है एक्सिस का। तो अब की बार मैं यहाँ पर एक्सिस का ये डिफाइन कर लेता हूँ सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लिक किया था, सेकंड क्लिक मैंने यहाँ पर किया, तो ये इस बेस पे यहाँ पर ये इलिप्स क्रिएट कर रहा है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक्सिस एंड टाइप यूज़ करते हैं इलिप्स की। अब नेक्स्ट टाइप जो आती है इलिप्स के अंदर वो आती है एलिप्टिकल आर्क। एलिप्टिकल आर्क बेसिकली क्या होती है, ये इलिप्स का एक आर्क सेगमेंट होता है। तो उसको अगर हमें ड्रा करना है तो हम यहाँ पर एलिप्टिकल आर्क कमांड का यूज़ करते हैं। तो अभी ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द एलिप्टिकल आर्क। तो ये जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है कुछ स्टेप्स का, वो हमारा सिमिलर रहेगा एक्सिस एंड की तरह ही। अगर आप यहाँ पर सेंटर करते हो तो सेंटर जो हमने यहाँ पर ये प्रोसीजर अप्लाई किया था इलिप्स ड्रा करने के लिए, इसका सेम प्रोसीजर रहेगा। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमसे फुल लेंथ पूछ रहा है एक्सिस की, तो मैं यहाँ पर फुल लेंथ इसकी यहाँ पर ये दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये अदर एक्सिस डिस्टेंस पूछेगा, तो मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। अब यहाँ से ये कमांड हमारी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हमसे पूछेगा स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल। तो स्टार्ट एंगल आपको ये पूछ रहा है कि आपको जो इलिप्टिकल आर्क है वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो सपोज कीजिए मुझे जैसे यहाँ पर ये इलिप्टिकल आर्क यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये इलिप्स की आर्क जो है ये ड्रा होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जहाँ तक भी आपको ये इलिप्स की आर्क चाहिए वो हमारे यहाँ पर स्पेसिफाई एंड एंगल है। तो मैं यहाँ पर एंड एंगल ये दे देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये इलिप्टिकल आर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो इलिप्टिकल आर्क के अंदर जो हमारा सेकंड मेथड है, जैसे मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है सेंटर का, तो मैं यहाँ पर सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमसे एंड पॉइंट पूछेगा, एंड पॉइंट मैं यहाँ पर ये देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो हमने फर्स्ट पॉइंट दिया था वो एज ए सेंटर लिया है इलिप्स का, ना कि ये फुल एक्सिस की डिस्टेंस ली है इसने। ये अब की बार एज ए सेंटर लेके जो सेकेंड हमने यहाँ पर डिस्टेंस दी वो हमारी हाफ मेजर एक्सिस डिस्टेंस हो गई। तो अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, तो मैं यहाँ पर ये डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर जो प्रोसीजर वो सेम रहेगा, स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट एंगल जैसे अब की बार ऑर्थो ऑन करके यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर ऑर्थो ऑफ कर लेंगे, और जैसे मुझे चाहिए ये इलिप्टिकल आर्क जैसे यहाँ तक, तो मैं यहाँ पर ये क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारी इलिप्टिकल आर्क क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर ये इलिप्स के डिफरेंट टाइप यूज़ करते हैं। और जल्दी दोस्तों मैं आप सबके लिए ऑटोकैड का एक धमाकेदार कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर आप बिगनर लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक सीख सकते हो। और उसके अंदर दोस्तों अगर आप ऑटोकैड का, चाहे आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हो 2010 या ऑटोकैड का जो लेटेस्ट वर्जन है 2025 या उससे ऊपर, जो भी वर्जन होगा आप अगर उसको यूज़ कर रहे हो तो भी आप इजीली ऑटोकैड में एक्सपर्ट लेवल तक उस कोर्स के अंदर सीख सकते हो। और उसके अलावा उस कोर्स के अंदर रेगुलर जो लेटेस्ट वर्जन की वीडियोज़ हैं वो भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो कोर्स ज़रूर पसंद आएगा। एंड वो कोर्स जैसे मैं लॉन्च करूँगा तो आपको उसके अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका QR कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी जो वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट है वो भी मिलती रहे। और जब भी मैं यहाँ पर ये कोर्स लॉन्च करूँगा तो आपको उस कोर्स की लॉन्चिंग डेट भी पता चल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।